मेरा बेटा 8 साल का है और वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की वजह से उसके कई डेवलपमेंट डिलेज हैं, जैसे कि वो अपनी उम्र के हिसाब से नहीं बोलता है, सिटिंग इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, यानी एक जगह बैठकर कुछ भी करना या पढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल है. शायद इसी वजह से किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लग पाता है. और इसको एक दूसरा लेबलिंग भी दिया गया है, इसे कहते हैं ADHD, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर. सबसे पहले सवाल जो अक्सर पेरेंट्स के जहन में आता है वो ये कि क्या हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के जैसे स्कूल में जा सकता है, पढ़ाई कर सकता है. क्वाइट फ्रैंकली शायद नहीं, क्योंकि मान लीजिए अगर वो बच्चा दूसरे स्कूल जाए भी जो कि नॉर्मल कहलाते हैं, CBSE, ICSE, IB, एक लेवल के बाद जो एक्सपेक्टेशंस बच्चों से होती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उससे वो कोप नहीं कर पाते हैं. इसीलिए नॉर्मल एजुकेशन की जगह स्पेशल एजुकेशन जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आने वाले बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है. लेकिन किसी भी तरह की एजुकेशन को शुरू करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि उनको 4 तरीके की थेरेपीज़ जो हैं वो पहले दी जाएँ. ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी. ये 4 थेरेपीज जो हैं किसी भी बच्चे के सीखने के लेवल की नींव डालते हैं. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के डायग्नोसिस के बाद आपके चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट या थेरेपिस्ट आपको बताएंगे कि आपके बच्चे को किस थेरेपी की ज़रूरत है. अक्सर हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो घुलते मिलते नहीं हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए प्ले स्कूल में जाना या नर्सरी में जाना एक अच्छा इन्वायरमेंट उन्हें मिल जाता है जहाँ पर वो सोशल कम्युनिकेशन सीखें. लेकिन साथ ही इसके स्पेशल एजुकेशन और थेरेपीज़ की बहुत ज़रूरत होती है. जब बच्चा थोड़ा बहुत कोप करने लगता है करिकुलम से, तो उसको एक ऐसे स्कूल की ज़रूरत होती है जो उसकी सीखने की स्पीड को समझे और उन सिम्टम्स को भी जो कि ऐसे बच्चों के साथ होते हैं. आपका टारगेट होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम में रहने वाले बच्चे को किस तरह से आप इंडिपेंडेंट बनाएं, उन्हें लाइफ में किन चीज़ों की ज़रूरत है उसी पर कॉन्सेंट्रेट करें. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, बस ये बहुत होता है ज़िंदगी चलाने के लिए. और उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि उस बच्चे में क्या कोई हुनर है या कोई रुचि है. अगर तो वो अपने आप से इंटरेस्ट किसी में दिखा रहा है तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं तो फिर आपको उसे मौके ऐसे देने चाहिए कि आपको पता चल पाए कि शायद हो सकता है उसका इंटरेस्ट इसमें हो. क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चे जो स्पेक्ट्रम में होते हैं वो किसी एक चीज़ में बहुत माहिर होते हैं, उनका स्किल अगर वहाँ डिवेलप कर दिया जाए तो वो एक बहुत अच्छी इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं उस स्किल को इंजॉय करते हुए. अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन नॉट टीच अ फिश टू फ्लाई. और शायद यही बात ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और ऑटिज्म में भी लाजमी है कि आप बच्चे को उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी से बहुत अलग चीज़ नहीं आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसे नहीं सिखा सकते हैं. और अगर आपने उस बच्चे को वो एनवायरनमेंट दिया, वो माहौल दिया जिसमें वो अपनी क्षमता से आगे बढ़ सकता है, तो ज़रूर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे.